had me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो रूटीन है वो कैसा रहता है यहाँ पर। सो यस, अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटी मोटी स्ट्रेचिंग एंड वर्कआउट से। तो यहाँ पर मैं पहनने वाली हूँ अपना द ब्रीजी टू वे टॉप बाय ब्लिस क्लब। बॉटम वेयर में मैं पहनने वाली हूँ वेरी फेमस द अल्टीमेट फ्लेयर पैंट्स बाय ब्लिस क्लब। तो जब ये आया था ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं इस तरीके के वेदर में इसको पहन पाऊंगी कि नहीं पहन पाऊंगी, मतलब थोड़ा सा मैं सोच रही थी अपने दिमाग में। बट व्हेन आई वोर इट, मतलब जब मैंने इसको दिन भर पहना, मज़ा आ गया। तो इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेयर है, आप देखिए बॉटम में, जो कि बहुत सही लगता है। फोल्डेबल वेस्ट बैंड है इसका, आप उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। हाई वेस्ट है जिसकी वजह से बहुत कंफर्टेबल लगता है। साथ ही साथ 4 पॉकेट्स दिए हुए हैं जिनका साइज़ बहुत अच्छा है पॉकेट का। आप अपने मोबाइल, थोड़ा मोटा कैश रख सकते हैं, कीज़ रख सकते हैं, बहुत आराम से आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद ये काफ़ी इनसेनली स्ट्रेची है, जिसको पहनने के बहुत कंफर्टेबल लगता है। आपकी बॉडी पे बहुत फ्लैटरिंग लगती है, किसी भी तरीके की आपकी बॉडी हो बहुत अच्छी लगती है। कैन बी वर्न इन एनी क्लाइमेट, आप किसी भी क्लाइमेट में इसको पहन सकते हैं। नाउ ये जो ऊपर टॉप पहना है मैंने, ये है टू वे टॉप। ये ब्रीज फ्लो फैब्रिक है जिसके अंदर 90% पॉलिएस्टर, 10% स्पैंडेक्स है। इट्स अ सुपर सॉफ्ट एंड लाइट वेट, स्वेट विकिंग टेक्सचर, ब्रीदेबल फैब्रिक, आइडियल फॉर लाइट वर्कआउट सो दैट यू गेट अ वेटलेस फीलिंग। ओवरसाइज्ड है, रिलैक्स्ड फिट है और बहुत ही कंफर्टेबल लगता है वर्कआउट सेशन में। बहुत अच्छे से आप मूवमेंट्स कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो पैंट है ना, दिस इज़ ग्रेट फॉर एन एक्टिव लाइफ, फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स। आप देखिए बहुत आराम से मैं स्ट्रेचिंग कर पा रही हूँ। सो दीज आर वर्क टू वर्कआउट पैंट्स, आप इसको दिन भर सीमलेसली कैरी कर सकते हैं, ट्रांजिशंस कर सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपनी टू डू लिस्ट फिल करने के लिए कि मुझे आज दिन भर क्या क्या काम करना है। तो बहुत सारे काम हैं, जैसे कि मुझे अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज जो मुझे करवानी है वो ये है कि आज मुझे अपने पापा को हॉस्पिटल चेकअप के लिए हम जाने वाले हैं। 1 मंथ हो चुका है, सो हम पूरे एकदम बिलीव के साथ जा रहे हैं कि आज बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आने वाली है उनकी। उसके बाद मुझे कुछ ब्रांड ब्लॉग्स शूट करने हैं, पेमेंट का फॉलोअप लेना है, तो वही सब सारी चीज़ें हैं। तो अभी भी मैं वही वाली पैंट पहनी हुई हूँ, मैंने दिन भर वही पैंट पहनी और मज़ा आ गया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये पहन करके। शार ले लिया है और रेडी हो गई हूँ वही सेम पैंट में। अच्छा, इस पैंट का जो फैब्रिक है, न्यू विंड फ्लो फैब्रिक है जिसको आप किसी भी वेदर में पहन सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने स्किन केयर पे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा रही हूँ, दिस इज़ अ लिक्विड फॉर्म वाला जो सनस्क्रीन है डर्माकोका, ये वो है, वो लगा लिया है मैंने। बिल्कुल बहुत लाइट है, मतलब गर्मियों में अभी तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है यहाँ भोपाल में भी, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने लिप बाम लगा लिया है, अभी मैं सनस्क्रीन एक और लगा रही हूँ। ये जो सनस्क्रीन है ना, इट्स अ टिंटेड सनस्क्रीन, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इसको लगाने के बाद आपको कुछ भी लगा, मतलब आपको कॉम्पैक्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसा काम कर देता है। और उसके बाद थोड़ा सा डियो लगा रही हूँ, आई एम वेरी वियर्ड, मैं डियो अपने मतलब कपड़ों के ऊपर लगाती हूँ। प्लीज़ रेज योर हैंड, कौन कौन डियो अपने कपड़ों के ऊपर लगाता है। उसके बाद बारी आती है कोम की, तो मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले 1.5 साल से यही वाले कोम को। ये कॉम्पैक्ट सा डिटैंगलर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छे से डिटैंगल कर लेता है आपके बालों को और थोड़ी शाइन भी प्रोवाइड करता है, मतलब मुझे तो पसंद है, पता नहीं वो कुछ करता है कि नहीं करता है। सो जल्दी से कोम वोम कर लेते हैं बालों को। हाय गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ, जैसे कि मैं आपने देखा कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी आई एम गोइंग टू माय क्लास। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ अपडेट किया था दैट आई थिंक मैंने अपने Q&A में, अगर आपने मेरा Q&A नहीं देखा है तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई है कि मैंने वास्तु की 5 मंथ्स की क्लासेस ली हैं। बट जो मैंने क्लासेस ली थी वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीज ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, आप अपने डाउट्स इतने क्लियर नहीं कर पाते हैं। जब आप काम करते हो, जब आप चीज़ें समझते हो, तब आपको और चीज़ें समझ में आती है। क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मैं इतने अच्छे से ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी और ना ही मैं इतना ज़्यादा काम पर ध्यान दे रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑफलाइन एक क्लास ज्वाइन करी है, दैट वॉज अ 1-on-1 क्लास, जिन भैया से मैंने सीख रही हूँ मैं। वो 15-16 ईयर से वो वास्तु रेकी एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी एंड काफ़ी सारी चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा उनका नाम चलता है। तो आज मेरी क्लास है, अभी तो क्योंकि मैं मुंबई चली गई थी तो 3-4 दिन का गैप हो गया था। हम एक आध दिन में साइट पे जाने वाले हैं, साइट विजिट पे वो मुझे अपने साथ साइट विजिट पे लेके जाने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और कैसे उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। जो एडवांस लेवल में अभी सीख रही हूँ, इसमें मैं आगे ये भी सीखने वाली हूँ कि हाउ टू सी योर कुंडली, मतलब हाउ वास्तु शास्त्र इज कनेक्टेड टू योर ग्रह दशा। सपोज किसी के
घर में कोई जोन वीक है, नॉर्थ वीक है या नॉर्थ वेस्ट जोन वीक है या कोई सा भी जोन वीक है, तो उसकी जब कुंडली चेक करी गई तो पता चलता है कि उसकी कुंडली में वो जोन का जो भी देवता है जो इंडिकेट करते हैं वो वीक आता है. तो मतलब आई हैव सीन दैट एग्जाम्पल्स. तो मेरा जो बिलीफ है वो काफ़ी तगड़ा हो गया है और मैं चीज़ें काफ़ी डीप में सीख रही हूँ और मैं थोड़े टाइम में शायद कुंडली वुंडली देखना भी सीखूंगी. सो लेट्स सी कहाँ तक लेके जाती है ये वाली जर्नी अपन को. एंड मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ. तो अब मैं इस जोन में आ चुकी हूँ, आई एम एट द जोन. मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर होने लगी हैं. तो अब मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें जो आप लोग खुद से देख सकते, मुझे ऐसा लगता है दिस इज द वास्तुशास्त्र हो गया, कुंडली कैसे देखते हैं, मुहूर्त कैसे देखते हैं, दीज आर द शास्त्र ऑफ अवर, ये तो पढ़ मतलब ये जो ये सब हमारे शास्त्र हैं हिंदू के, राइट. एंड इतना साइंटिफिकली करेक्टेड है ये सारी चीज़ें. ऐसा नहीं है कि ये अंधविश्वासी वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा साइंटिफिकली कनेक्टेड हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड प्राउड ऑन अवर शास्त्र. एंड साथ ही साथ ये बेसिक चीज़ें ना सबको आनी चाहिए इफ़ यू फॉलो हिंदू कल्चर. तो ये हिंदू कल्चर में डेफिनेटली आना चाहिए एंड आई एम गोइंग टू प्रमोट इट. मतलब बिल्कुल डंके की चोट पर मैं इसको प्रमोट करने वाली हूँ. तो ये सब मेरी डायरीज़ हैं जो वास्तु वाली हैं वो है, और अभी मैं अपनी जो पत्रिका है वो भी लेकर के जा रही हूँ, बिकॉज़ ये मेरी पत्रिका है जिसमें काफ़ी पुरानी मतलब बहुत पुरानी किसी पंडित जी ने बनाई थी, तो वही है, देखिए बहुत साल पुरानी है, तो वही लेकर के जा रही हूँ. एंड दिस इज़ माई, अच्छा काफ़ी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो. तो गाइज़ कोई बुक नहीं पढ़ रही हूँ मैं, ये सब मेरे पास नोट्स हैं. उसके बाद जो इनसे मैं सीख रही हूँ ना, उन्होंने भी मुझे बहुत साल पुरानी मतलब उनके भी गुरु जी की कोई बुक्स थी वो दी थी मुझे, तो उसकी मैंने फोटो कॉपी करवा ली है. तो दिस इज़ लाइक माई स्टडी मटेरियल. तो ये सब मैं रख लेती हूँ, अपने बैग को पैक कर लेती हूँ. ये वाला बैग तो मतलब आई एम फैन ऑफ दिस बैग. और यहाँ पर जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो ब्लिस क्लब का ही पैंट पहना हुआ है और उसके ऊपर अपना शर्ट पहन लिया है. एंड इट इज़ लुकिंग सुपर स्टाइलिश एंड कम्फर्टेबल एज वेल, और बहुत सही और मतलब बहुत कम्फर्टेबल है. आप यहाँ इसको पहन करके दिन भर बैठ सकते हो, 24 घंटे बैठ सकते हो, आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा. तो मेरी जो क्लास है वो मैं पहुंच चुकी हूं. और हाँ, मैं कुछ बातें कर रही थी जो कि मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने वो चीज़ म्यूट कर ली है. और यस, हम पार्क कर देते हैं फटाक से और निकलते हैं क्लास के लिए. अच्छा, ब्लिस क्लब के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी. ये फीमेल फाउंडेड कंपनी है और ये कम्युनिटी फर्स्ट ब्रांड है दैट क्राफ्ट्स टेक्निकल अपैरल फॉर विमेन हु मूव. एंड लुक एट द पैंट्स, हाउ स्टाइलिश दे आर लुकिंग. मतलब बहुत ही कम्फर्टेबल एंड दिखने में भी बहुत स्टाइलिश लगती है ये. तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि है रुचि 10 टू गेट 10% डिस्काउंट. ओके गाइस, तो जो मेरी क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं निकलती हूँ घर के लिए. तो आज क्योंकि मंडे है तो हम सबके फास्ट हैं. सो या लेट्स गो. गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ अपना जो मेरे मम्मी पापा हैं उन लोगों का जो घर है, जो ओन फ्लैट है, उसमें जा रही हूँ कुछ देखने के लिए. मुझे थोड़ा सा काम है. क्या हुआ है कि जब ये सब इंसिडेंट्स हुआ मेरे पापा का, तो जो भी सुनता है ना, जब वो जो इंसिडेंट्स है उसको बहुत अजीब लगता है सुनकर के कि ऐसा कैसे हो गया. तब क्या होता है जब घर वालों पे बात आती है ना, तो आपको बहुत सारे लोग आपके दिमाग में डाल जाते हैं, आप इनकी कुंडली चेक करवाओ, आप ये चेक करवाओ, वो चेक करवाओ, ये चेक करवाओ. अब आप मानो चाहे नहीं मानो, जब आपके लव्ड वंस के ऊपर ये चीज़ें आती है ना, तो आपको एक दिमाग में डाउट आ जाता है. तो मेरे दिमाग में भी एक वो डाउट आ गया था कि हाँ, इट माइट पॉसिबल कि इसकी वजह से भी ये चीज़ें हुई हों. तो वास्तु में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ आपके नाम की हैं, उस हर एक नाम की प्रॉपर्टी का इफेक्ट आपके ऊपर आता है. आप जहाँ रह रहे हो वो तो है ही. उसके बाद है मतलब थोड़ी लंबी स्टोरी आप बताना, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आई विल मेक अ वीडियोज ऑन दिस टॉपिक, थोड़े बहुत जो बता सकती हूँ मैं, है ना. तो वही मैं आज यहाँ पर देखने के लिए, चेक करने के लिए आई थी, डिग्रीज वगैरह लेने के लिए और किस डायरेक्शन में क्या है. करने के लिए अभी जा रहे हैं, हमारे जो टेनेंट्स यहाँ पर रहते हैं उन लोगों से बात कर लिए. दे आर ऑल्सो वेरी यंग कपल, अभी 1.5 साल हुए उनको शादी को, तो मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ. सो या लेट्स गो. तो अभी मैं आई हूँ जो हम लोगों की सोसाइटी है, मतलब मम्मी पापा वाली जो सोसाइटी है, वहाँ के मंदिर में. ये अभी शिवरात्रि के दिन ही मंदिर की स्थापना हुई है एंड मेरी मम्मी शिव भक्त है. एंड सामने जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है, विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट. तो मैंने सोचा आकर के देख लेती हूँ. इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सीरीन
पॉजिटिव और बहुत प्यारा मंदिर है ये। और अभी यहाँ पर एक्चुअली जो 2 BHK 3 BHK 2 BHK 3 BHK और 1 BHK जो है वो पूरे बन चुके हैं। हाई मेरी चप्पल अंदर ही रह गई है, एक मिनट। वो पूरे बन चुके हैं, अब जो सिर्फ बचे हैं यहाँ पर जो कटना स्टार्ट हुआ है, इट्स 4 and 5 BHK आई गेस। 5 है कि नहीं है बट 4 BHK है इस तरफ मंदिर के, इस तरफ यही बन रही है, सब 4 BHK कटना स्टार्ट हुए हैं। तो कंस्ट्रक्शन जब तक मेरे मम्मी पापा शिफ्ट होंगे तब तक तो आई थिंक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब तो काफ़ी लोग यहाँ पे रहने लगे हैं। सो दिस इज़ द टेम्पल, बाहर से मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देती हूँ। बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा छोटू सा टेम्पल है और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब शिव जी हैं, शिव जी की मूर्ति दिख गई है यहाँ पर, और क्या चाहिए, मतलब महादेव मिल गए इधर पे भी, तो बस वही है, बहुत सुंदर लग रहा था। अभी तो खैर ये नया बना है तो आई होप कि ऐसी एकदम क्लीन एंड ब्यूटिफुल रहे। और बाहर भी इसके ना काफ़ी सारा एरिया है, थोड़े डिस्टेंस पे नंदी जी बैठे हुए हैं और उस तरफ देखिए पीछे, तो मतलब आई थिंक कुछ प्रोग्राम वगैरह कर सकते हैं शायद सोसाइटी वाले लोग, अब मुझे इतना तो नहीं पता है बट हाँ ऐसे हवन कुंड वगैरह बना हुआ है तो आई थिंक आप कुछ यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह कर सकते हो। एंड दिस इज़ द सोसाइटी, मतलब यहाँ पर देखिए जो नई वाला प्लॉट है ना वो कट रहे हैं, वही 4 BHK and 5 BHK वाले, और बाकी जो वहाँ वाले हैं उधर पे मेरे मतलब मम्मी का घर है। ये सोसाइटी का क्लब हाउस है और इसके साइड वाली मेरे मम्मी पापा की बिल्डिंग है और इसके सामने वाली मेरे चाचा की बिल्डिंग है। सो तो ये ऐसे गार्डन्स बन गए दोनों तरफ। उस तरफ वाला जो फ्लैट है ना वहाँ वाला, इसके जस्ट साइड वाला, सेकंड नंबर इसके साइड वाला, वो हम लोग का फ्लैट। तो सारे लोग आ गए रहने के लिए, यहाँ पर भी सब आ गए, मतलब लोग तो काफ़ी आ गए हैं और काफ़ी कुछ मैनेज हो गई है ये एरिया, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। ओके गाइस, तो आ गई हूँ, सब कुछ देख वेख करके घर देख लिया है, बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने घर रखा है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने घर एकदम क्लीन रखा है, तो मेरा देख के वो, जबकि वो लोग 20 डेज बद्रीनाथ और पूरा सा ट्रिप ट्रिप करके आए हैं बाय कार, तो कपल ही हैं दोनों, यंग कपल है, मतलब जैसे विक्की और हमें वैसे ही वो लोग हैं, यंग कपल है। तो इतने थके हुए थे, घर थोड़ा मेस्ड अप था बट स्टिल क्लीन था, मतलब वो समझ में आ जाता है ना कि क्लीन घर कैसा होता है क्या होता है। तो काफ़ी अच्छे से घर उसने रख के रखा था, मैं देख करके बड़ी खुश हो गई। उसके बाद फिर मैंने जो भी मुझे देखना था वो सब देखा वेखा किया, और मंदिर भी बहुत अच्छा डेवलप हो गया। मतलब हमें मम्मी पापा को बोल सकते हो कि इफ यू वांट टू शिफ्ट हियर ना, लाइक 6-7-8 months में जब भी दे कैन इजीली शिफ्ट ओवर हियर, बिकॉज काफ़ी बन गया है, सब कुछ ही बन गया है, आसपास भी काफ़ी चीज़ें ओपन हो गई हैं। और या सो अब निकलते हैं घर के लिए। सो ओके, तो घर आने के बाद मैं जिन भैया से वास्तु सीख रही हूँ उनके साथ में गई थी एक साइट विजिट पे। तो ये भोपाल के बहुत ही, भोपाल क्या पूरे MP के बहुत ही तगड़े बिल्डर हैं, इनका काफ़ी नाम चलता है। तो ये उनके घर के पीछे का लॉन है, तो मेरा यहाँ पे टेस्ट हो रहा था। मतलब मैं जब साइट पे जाती हूँ तो भैया को तो ऑब्वियसली पता चल जाता है, वो इतने टाइम से कर रहे हैं, बट मैं पॉइंट्स लिखती जाती हूँ कि क्या क्या मुझे इस घर में समझ में आ रहा है, क्या मुझे डिफेक्ट्स लग रहा है और क्या हम लोग रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो वही देखने के लिए आई थी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वे डिफरेंट देन जो आप थ्योरी पढ़ते हो ना। आपको पता चलता है कि आपको कैसे एग्जामिन करना है, कैसे आपको सॉल्यूशंस निकालना है। ये इनका आगे का लॉन है, तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए हैं। ओके गाइस, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ और अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।